उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस ने झपट मारो के गैंग का किया भंडाफोड़। चोरी और स्नैचिंग की कई वारदातों को आरोपी दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने 2 सोने की चेन, 3 दोपहिया वाहन और 3 मोबाइल किए बरामद, 9 मामले सुलझे। उत्तरी पश्चिमी जिला के स्पेशल स्टाफ और थाना मेंदा पारक पुलिस ने झपट मारो के गैंग का भंडा फोड़कर 2 झपट मार और 1 ज्वेलर में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 11 जून को मेंदा पारक इलाके के आजादपुर सब्जी मंडी में एक बैग चोरी हो गई थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाल जब पहचान की गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों का नाम शुभम और बंदा जयदेव उर्फ अंकित जो कि शालीमार के हैदरपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटमारी के 3 मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 गोल्ड चेन, 2 चोरी की स्कूटी और 1 बाइक जो कि आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हैदरपुर के ही एक ज्वेलर महामनसा ज्वेलर नाम से दुकानदार राम बाबू शाह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी शुभम और जयदेव ने पुलिस को बताया है कि उन्होंने 4 सोने की चेन ज्वेलर राम बाबू शाह को बेच चुकी हैं। पुलिस के अनुसार ये तीनों आरोपी मिलकर एक गैंग को चला रहे थे। बहरहाल पुलिस ने इन तीनों की गिरफ्तारी से 9 मामले सुलझाने का दावा किया है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।